सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप WhatsApp ग्रुप्स के मैसेजेस को, नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हैं, आप नहीं चाहते कि उस ग्रुप के जो मैसेजेस आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको रिसीव हों, यहां पर जो है पहले तो आप जो है आपको लीव करना पड़ता था, ग्रुप को हटाना पड़ता था, ग्रुप को छोड़ना पड़ता था, एग्जिट करना पड़ता था आपको ग्रुप से, बट अब से ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है ग्रुप को लीव किए बिना, एग्जिट किए बिना, कैसे ग्रुप में आने वाले मैसेजेस के नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं ये एक ग्रुप है होम ग्रुप के नाम से, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैक करता हूँ मैं आपको, होम ग्रुप के नाम से देख सकते हैं ये ग्रुप है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये, मैं इससे मैसेज करता हूँ हाय का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मैसेज करके दिखा देता हूँ। सो देख सकते हैं मैंने मैसेज किया तो यहाँ पर जो है दूसरे मोबाइल में जो है मैसेज चला गया है, आप देख पाएंगे यहाँ पर मैसेज गया और आ भी गया है। फिर से मैं एक मैसेज करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं फिर से मैसेज किया है मैंने और ये मैसेज यहाँ पर आ चुका है। आप चाहते हैं कि ये जो मैसेजेस हैं, नोटिफिकेशंस आपके बंद हो जाएं, वो कैसे होगा? आपको सिंपल सा काम करना है गाइस, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपने प्ले स्टोर में। सो गाइस प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सअप। सो गाइस देख सकते हैं व्हाट्सअप आ चुका है। अब व्हाट्सअप पर आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से व्हाट्सअप को करना है अपडेट, अपडेट पर क्लिक कर देना है। ये जो आपका व्हाट्सअप है इसको आपको अपडेट कर लेना है गाइस, ठीक है। अपडेट करने के बाद क्या करना है अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको अपडेट होने देते हैं, यहाँ पर 99% हो भी चुका है। जैसे ही आपका यहाँ पर आपका व्हाट्सअप जो है अपडेट हो जाए उसके बाद बैक आ जाना है। आप चाहते हैं आपको आपके ग्रुप्स के नोटिफिकेशन रिसीव ना हो तो उसके लिए आपको बैक आने के बाद जो है यहाँ पर अपने व्हाट्सएप को फिर से ओपन कर लेना है। अब जो भी ग्रुप के आप मैसेजेस जो है चाहते हैं कि नोटिफिकेशंस आपको रिसीव ना हो उसको करना क्या है, अब यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये ग्रुप है व्हाट्सएप पर, मैं आ चुका हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं अब ये इंस्टॉल होगा क्योंकि मैंने अपडेट किया है, देख सकते हैं। अब करना क्या है, सपोज कर लीजिए होम ग्रुप है तो इसको यहाँ पर आप नहीं चाहते कि इस ग्रुप के मैसेजेस के नोटिफिकेशंस आएँ, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। सॉरी फिर से बैक हो गया, यहाँ पर आते हैं फिर से, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ देख पाएंगे आर्काइव का ऑप्शन है, इसको इस पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं आर्काइव पर चली गई है हमारी जो है चैट है, आर्काइव पर चली गई है। अब मैं मैसेज करके दिखाता हूँ इस मोबाइल से, यहाँ पर मैंने मैसेज किया तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं आया है, देख सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ है और यहाँ पर शो भी नहीं हुआ है। बट आपको मैसेज कहाँ पर देखने को मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से मैसेज करता हूँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया इस मोबाइल में, तो आपको मैसेज देखने को मिलेंगे। आर्काइव में जाइए और यहाँ पर वो चैट है, यहाँ पर आप मैसेज देखने को मिल जाएंगे आपको, बट आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होंगे, ठीक है। मैसेजेस आपको सभी आ जाएंगे आपके मोबाइल में, बट आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो गाइज ऐसे ही जो आप अपने ग्रुप्स के जो नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनको बंद कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, होप आपको सब कुछ समझ आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।